हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग विद मनीष में। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पिस्ता कुल्फ़ी। गर्मियों में ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाने में मज़ा ही आ जाता है। इसको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनती है पिस्ता कुल्फ़ी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें मैंने 2 कप दूध लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। 2 कप दूध डालिए, मेरा 240 ml का कप है, आप 250-240 ml कोई भी ले सकते हैं। दूध मैंने बॉईल कर लिया है, दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 10 rupees वाला मिल्क पाउडर के पैकेट। मैं इसमें 2 पैकेट डालूंगी ये मिल्क पाउडर के। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या फिर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा दें, उस तब आप दूध 4 कप लें और उसको उतना पकाएं जब तक पकते पकते आधा ना रह जाए। दूध मेरा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर। शुगर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, शुगर पूरी तरह इसमें घुल जाए। इसको तब तक हमें पकाना है। मिल्क पाउडर डालने से दूध हमारा बहुत जल्दी थिक हो गया था, इससे हमारा टाइम बहुत बच जाता है। अब ये मैंने 1 tablespoon कॉर्नफ्लावर लिया है और इसको 2 tablespoon वाटर में इसको मैंने घोल लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और पूरा कॉर्नफ्लावर इसमें डाल देंगे। ये मेरा अच्छे से पक चुका था। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद दूध हमारा बहुत थिक हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता एसेंस। पिस्ता एसेंस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। पिस्ता एसेंस डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से हमारा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। ये मैंने 1 tablespoon बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिस्ता भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे, जिससे पिस्ता का फ्लेवर भी हमारा इसमें और अच्छे से आ जाएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, हमारा लगभग पक चुका है, और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर तक हम इसको ऐसे ही चलाएंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। इसको चलाते हुए हमें ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर लाना है। इसको 10 से 15 मिनट हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और हम इसको इसमें फिल करें। ये आइसक्रीम मोल्ड है, ये मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। आज हम कुल्फ़ी इसी में बनाएंगे। मैंने इनकी प्लास्टिक के जो स्टिक्स होते हैं इसमें वो निकाल दिए, उसकी जगह पर हम वुडन स्टिक यूज़ करेंगे। सारे ये इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा ये हमने जो मिल्क बनाया था आइसक्रीम का, इसका हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इसको पूरा नहीं फुल करेंगे, थोड़ा खाली ही रखना है। अच्छी तरीके से सब में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। पिस्ता कुल्फी बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। ये सारे हमने फिल कर लिए हैं, सबको ऊपर से इनका ढक्कन लगा के इनको बंद कर देना है। अगर आपके इसमें ढक्कन नहीं है तो आप इस पर सिल्वर फॉइल लगा के तब इसमें स्टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसको कवर ज़रूर करें इसके ऊपर से, वरना इसमें आइस क्रिस्टल आ जाएंगे। अब इन सब में हम स्टिक लगा देंगे। मैंने आइसक्रीम स्टिक मार्केट में मिल जाती हैं ईजीली, वही लगाई हैं, बहुत आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। सब में हम स्टिक लगा देंगे और ये हमारी रेडी है। इसको हम लगभग 8 घंटे तक इसको हम फ्रिज में रखेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट सेट करने के लिए रख दीजिए। कुल्फ़ी हमारी सेट हो चुकी है, अब हम इसको निकालते हैं। इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको नॉर्मल पानी में इसको थोड़ा सा डिप करिए और बहुत आराम से ये हमारी निकल जाती है। डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगी, क्योंकि बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। और ये कुल्फ़ी मैंने अभी निकाल ली है सारे। थोड़ा सा हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। पिस्ता बहुत बारीक बारीक काट लिया है, एकदम बारीक कटे हुए पिस्ता से इसको थोड़ा थोड़ा इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी गार्निश कर सकते हैं। सभी पे मैं थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी, इससे आइसक्रीम देखने में और भी अच्छी लगी और ये पिस्ता भी इसके ऊपर सेट हो जाता है। इसी तरीके से सारी कुल्फियों पर हम थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगा देंगे। पिस्ता लगाने से बहुत ही सुंदर दिख रही है और ये है हमारी ठंडी ठंडी कुल्फ़ी रेडी। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर पर आने वाले गेस्ट और अपने बच्चों को बनाकर खिलाइएगा। ये कुल्फ़ी उनको 100% पसंद आएगी।
ये बहुत ही इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।